हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में अपन क्रॉन्टन, पबजी मोबाइल इंडिया और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपनी पहली न्यूज रहेगा रिजल्ट टॉस को लेकर। तो गाइस रिजल्ट टॉस ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि वो और मामा भी हैदराबाद में है। अपनी अगली न्यूज रहेगा टीम आईएनडी को लेकर। तो गाइस टीम आईएनडी ने अपनी सीओडी की लाइनअप की अनाउंसमेंट कर दी है। लाइनअप में कौन कौन होने वाला है वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख ही सकते होंगे। अपनी अगली न्यूज रहेगा टेंसेंट को लेकर। तो गाइस टेंसेंट का टोटल गेमिंग रेवेन्यू 2020 में इतना था वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते होंगे, $29.3 बिलियन। अपनी अगली न्यूज आई गाइस नियो को लेके। तो गाइस नियो ने बोला कि अगर टीएसएम की अनाउंसमेंट हो गई तो हेटर्स की जल जाएगी। तो गाइस देखते हैं कि टीएसएम एंटिटी की तरफ से अपन को कब तक वो बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज गाइस 8 बिट गोल्डी को लेके। तो गाइस 8 बिट गोल्डी ने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे 12.0 बूट कैंप की लिंक्स डाली, वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते होंगे। अपनी अगली न्यूज आई गाइस वैलोरेंट को लेके। तो गाइस वैलोरेंट गेम बन चुका है मोस्ट सक्सेसफुल पीसी गेम इन 2020। अपनी अगली न्यूज रहेगा पबजी मोबाइल को लेके। तो गाइस पबजी मोबाइल का जो सीजन 11 है उसकी लॉबी की एक लीक्स निकल के आई है, वो फोटो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते होंगे कि लॉबी कैसे होने वाली है पबजी मोबाइल के सीजन 11 में। अपनी अगली न्यूज रहेगा क्रॉन्टन को लेके। तो गाइस क्रॉन्टन ने अपडेट दिया रिलेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया। तो क्रॉन्टन ने बोला कि उनको कहीं से पता चला है कि मार्च के अंदर 99.9% तो गेम नहीं आने वाला, अप्रैल के अंदर गेम आ सकता है। और लाइनअप के बारे में उन्होंने ये अपडेट दिया कि लाइनअप अभी वो डिसबैंड नहीं कर रहे, क्योंकि इतना समय अगर उन्होंने लाइनअप को होल्ड किया है तो वो और भी थोड़े टाइम लाइनअप को होल्ड करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि 15 अप्रैल या 30 अप्रैल के आसपास वो लाइनअप को डिसबैंड करेंगे। तो हो सकता है कि गाइस अब मार्च के अंदर अगर गेम नहीं आता हो तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपन को गेम देखने को मिल सकता हो। लेट्स सी कि फाइनली वो गेम अपन को कब तक देखने को मिलता है। और क्रॉन्टन ने बात करी गई ट्रेलर के बारे में। तो क्रॉन्टन ने बोला कि उनको जहां तक पता चला है तो जो ट्रेलर है वो पुराना ही होने वाला है, कोई भी नया ट्रेलर शूट नहीं होगा। तो लेट्स सी कि गाइस और क्या कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं रिलेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया। अगली न्यूज रहेगा स्नैक्स को लेके। तो गाइस स्नैक्स ने बताया इंस्टाग्राम पे कि जो उनका नंबर था वो लीक हो गया था और उनको बंदे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस कर रहे थे और उनको बहुत ही ज्यादा हेट दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, बट उन्होंने उनको सभी को इग्नोर कर दिया। और स्नैक्स ने ऐसा बोला कि एक बंदा तो इंस्टाग्राम पे लाइव आके उनका नंबर पिन कर दिया उनके इंस्टाग्राम लाइव पे। और स्नैक्स ने इन लास्ट फिर ये बोला अपने सभी फैंस को कि जिसने नंबर उनका पिन किया इंस्टाग्राम लाइव पे उस बंदे का अकाउंट जाके रिपोर्ट करने को बस। अपनी अगली न्यूज रहेगा मैक्सटन को लेके। तो गाइस मैक्सटन से इंस्टाग्राम क्यों में पूछा गया कि बेस्ट 3 इंडियन स्क्वाड के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि TSM, GXR और OR टॉप 3 पबजी प्लेयर के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बोला जोनाथन, मावी और उनका खुद का नाम मैक्सटन। और जब टॉप 3 S12 लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला मॉर्टल, स्काउट और K-Teen। अगली न्यूज़ गाइस पबजी मोबाइल इंडिया को लेके। तो गाइस पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गाइस 50 लाख के अराउंड पहले इनिशियली इन्वेस्टमेंट था। तो गाइस वो अब इन्वेस्टमेंट 50 लाख से बढ़ के हो चुका है 14 करोड़ के आसपास। तो गाइस ये कि बहुत ही पॉजिटिव गुड न्यूज है, यानी कि अपन को इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है। तो गाइस पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ अपन को इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो ये गाइस और क्या कुछ गुड न्यूज अपन सभी को देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज गाइस एनकोर को लेके। तो एनकोर ने गाइस इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि उन्होंने व्लॉग शूट कर लिया है और उन्होंने टोटल 3 व्लॉग बनाए हैं। तो लेट्स सी कि एनकोर की तरफ से अपन को व्लॉग्स कब तक देखने को मिलते हैं। अपनी अगली न्यूज गाइस टीम वाइटैलिटी को लेके। तो गाइस टीम वाइटैलिटी ने अपने कॉल ऑफ ड्यूटी की लाइनअप की अनाउंसमेंट कर दी है। लाइनअप में कौन कौन होने वाले हैं वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते होंगे। अपनी अगली न्यूज गाइस गॉड निक्सन को लेके। तो गाइस गॉड निक्सन से इंस्टाग्राम की क्यों में पूछा गया मॉर्टल और स्काउट। तो गॉड निक्सन ने बोला कि दोनों ही अच्छे हैं बट उनका फेवरेट जोनाथन है। यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।